त्रिशूलधारी महादेव। उनके त्रिशूल की शक्तियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर आखिर क्यों शिवजी ने चुना त्रिशूल को अपना शस्त्र और क्या है शिवजी और त्रिशूल का रहस्य, आइए जानते हैं तथास्तु के इस एपिसोड में। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान शिव की छवि सभी देवों से अलग है। वो देवों के देव महादेव हैं। उनकी वेशभूषा, शक्तियाँ और तपस्या करने का तरीका सबसे अलग, सबसे अनोखा है। किसी मोह माया से कोई नाता नहीं, तभी वो कैलाश पर्वत में बसे हैं। सर्वज्ञानी महादेव भी कहा जाता है इनको। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि शिव पुराण के अनुसार वैसे तो भगवान शिव सभी शस्त्रों के ज्ञाता हैं, पर उनका सबसे प्रमुख शस्त्र है त्रिशूल और धनुष। शिव के अनेकों नाम में से एक है त्रिगुणतत्, जिसका मतलब है कि भगवान शिव सृष्टि के तीनों गुण राज, तम और सत को समान रूप से अपने अंदर समाहित किए हुए हैं और सभी गुणों से परे यानी निर्गुण हैं। सभी गुणों को प्रकृति की तीन स्थिति रचना, रखाव और विनाश, तीन काल भूत, वर्तमान और भविष्य, तीन लोक स्वर्ग, भू और पाताल और तीन शक्तियाँ यानी इच्छा, क्रिया और ज्ञान को संभालने के लिए शिव जी ने त्रिशूल को धारण किया हुआ है और वो त्रिशूल के साथ ही प्रकट हुए थे। ये था महादेव और उनके त्रिशूल का रहस्य, जिसके पीछे की कथा शायद आपको आज से पहले नहीं पता थी। सभी बातों का जिक्र शिव पुराण में भी हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।